15 अगस्त यानी कि आजादी का दिन भारत देश के सभी नागरिकों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये आजादी एक बराबर है, चाहे वो एक बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई नौकरी करने वाला। और उसी तरह से जो रास्ते पे कुछ सामान बेचते हैं उनके लिए भी आजादी उतनी ही महत्व रखती है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही एक गॉगल बेचने वाले से, जो बर्डी के इस बिग बाजार के सामने गॉगल बेचते हैं। उनके लिए आजादी का क्या मतलब है और वो क्या बधाइयां देना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। संतोष है, मैं 15 अगस्त की पूरे भारतवासियों को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। ये एक बुजुर्ग नागरिक से भी हम जानते हैं कि आज 15 अगस्त, वो काफी सालों से बहुत सारे 15 अगस्त उन्होंने देखे होंगे, तो इस 15 अगस्त पे वो क्या कर रहे हैं उनसे जानते हैं। 15 अगस्त के अपने बुजुर्ग लोगों ने अपने को राष्ट्र से पूरा मिला दिया, अपने को स्वतंत्र मिला दिया, ये स्वतंत्रता के वो अपने को ठिकाना है। और आज के जमाने में अपने को किसी से डर नहीं रख के बेडर होकर के अपने को हर एक से मुकाबला करके अपने मिला हुआ स्वातंत्र को अपने को आज टिका के रखने का है। आप लोग भूल जाओ अपने से पार्टियां, पर राष्ट्र को बड़ा करो और मिली हुई चीज को टिका के रखो। आइए हम शॉपिंग पर आए कुछ लोगों से बात करेंगे जो कि आजादी के इस मौके पर आजादी से शॉपिंग करने आए हैं। सर कहिए। 15 अगस्त का दिन है तो छुट्टी है आजादी के, इसमें हम लोग घूम रहे हैं, शुभकामनाओं के साथ हम शॉपिंग कर रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आजादी के मौके पर घूमने आए इस व्यक्ति से हम जानेंगे कि उनका क्या मत है आजादी के बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं। सर आजादी के बारे में ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि जैसे हम आजादी मनाते हैं, छोटे छोटे झंडे लेके हम घूमते हैं हाथ में, हर्षोल्लास से मनाते हैं भाई आजाद हुए हैं हम करके, दूसरे दिन ही वो झंडे जमीन पे पड़े रहते हैं, लातों में आ जाते हैं, राष्ट्रध्वज का अपमान है ना ये। सरकार को चाहिए कि ये इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए भाई, ये देश का अपमान है। अच्छा झंडा एक ही जगह लहराना चाहिए, अच्छे ढंग से लहराना चाहिए, तो ये इस टाइप का ये सब जो है वो बंद कराना चाहिए उन लोगों ने। बाकी जो है वो मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मनाओ अच्छे से मनाओ बढ़िया। हम पहुंचे हैं एक थिएटर के सामने जहां पर हम देख सकते हैं कि आज़ादी के उपलक्ष में इतने सारे लोग छुट्टी मनाते हैं और पिक्चर देखने आते हैं। तो आइए पूछते हैं आज के नौजवानों से कि आज़ादी उनके लिए क्या है, क्या ये सिर्फ एक छुट्टी है और पिक्चर देखना है। मुझे आज़ादी बहुत प्यारी है, 15 अगस्त को मैं छुट्टी मनाता हूँ, बाहर घूमता हूँ, मूवी देखता हूँ, बाहर घूमने के लिए जाता हूँ और दोस्तों के साथ मौज करता हूँ। आइए जानते हैं युद्ध से कि आज़ादी एग्जैक्टली होती क्या है, क्या आज़ादी मतलब रोक टोक के बिना जहाँ जी चाहे घूम सके, पिक्चर देख सके, जब जो चाहे वो कर सके, क्या ये चीज़ होती है आज़ादी, आइए जानते हैं युद्ध से। आज़ादी हमारे लिए ये कि हम 15 अगस्त को कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो पूछना चाहूंगी कि डे टू डे लाइफ में आजादी का क्या मतलब है आपके लिए, कोई कहना चाहेगा कोई कुछ। मैम डे टू डे में तो आजकल जो यंगर है काफी भटक चुके हैं, जो आजादी जो पहले के लोग आजादी में जो देश के लिए लड़ते थे, देश के लिए लड़ने के लिए एक जुनून था, मगर आज के जो यंगर है वो दुष्परिणाम इसके आज़ादी के वो गलत इस्तेमाल करते, जैसे रातों में सिगरेट या दारू पीना, रास्ते में किसी को परेशान करना, यानी यंगर भटक चुके। जो आज़ादी का जो एक मतलब था, एक फ्रीडम थी, वो मेरे को आज नज़र नहीं आ रही है इसका इसमें। हम पहुंचे इस वक्त बर्डी के एटर्निटी मॉल के आगे और यहां पर हमारे साथ मौजूद है नागपुर के सुप्रसिद्ध डांसर जो डांस को एकदम फ्रीली आज़ादी के साथ डांस करते हैं, किसी तरह का रोक टोक नहीं है, एकदम आज़ाद है। तो आइए जानते हैं कि इस आज़ादी पे उन्हें क्या कहना है कि फ्रीडम टू चूज योर ओन ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या, आइए जानते हैं। हेलो, मेरा नाम अमर मोरकर है, मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ। मुझे आज़ादी ऐसी मिली है कि जब मैं हर चैनल में डांस करने आया हूँ तो मेरे को हर चीज़ की आज़ादी मिली। आइए हम जानते हैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से कि उसके लिए आज़ादी क्या है, क्या बचपन में जब छुट्टी मिलती थी सुबह सुबह झंडा फड़काया जाता था जो खुशी होती थी, क्या आज भी वो कायम है या नहीं, आइए जानते हैं। माय नेम इज अक्षय लोढ़े। जब स्कूल की लाइफ थी तब झंडा फड़कने का माहौल अलग ही था, स्कूल में राष्ट्रगीत होता था, इवेंट नए नए इवेंट होते थे, लेकिन अभी कॉलेज लाइफ में क्या छुट्टी मिलती है, इवेंट ज़्यादा कुछ होता नहीं और घूमने का माहौल अलग रहता। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस वक्त मैं पहुंची हूँ बॉम्बे फैशंस इस दुकान के सामने हूँ बर्डी मार्केट के, और आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या माहौल होता है मार्केट में 15 अगस्त के दिन, जैसा कि पूरी दुकान तिरंगे के हिसाब से सजी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या अर्थ है, क्यों इन्होंने इस तरह से यहाँ पर सजाया हुआ है, जानते हैं इनसे, आइए। हाँ मैडम, तो ये खुशी का माहौल होता है इसलिए हम ऐसे सजा के रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कल 15 अगस्त है, क्या हुआ था, लोगों को याद ताज़ी होना चाहिए,
और लोग सब मिलना जुलना चाहिए, एक मेक को मुबारकबाद देना चाहिए और सब मिलजुल के रहना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। सभी के लिए 15 अगस्त की खुशी आज़ादी की खुशी एक बराबर होती है, चाहे उसका कुछ भी प्रोफेशन हो, कुछ भी काम करता हो वो। तो आइए ऐसी ही एक खुशी जाहिर करना चाहते हैं, हमारे साथ जो है यहाँ पर घड़ी बेचने वाले, उनसे जानते हैं और उनकी शुभकामनाएं लेते हैं सबके लिए। मेरा नाम मंदेश मिश्रा है, मैं अपने देश के लिए जो आज़ाद हुए है उस दिन के लिए आज सबको बधाई देता हूँ। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज अपना देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ दिल से कि वो सब अच्छे से अपना ये दिन को अच्छे तरीके से बनाए और बहुत शांतिपूर्वक बनाए। 15 अगस्त की खुशियाँ लोग आज भी मनाते हैं, सुबह सुबह झंडा फड़काते हैं, पर क्या पहले की तरह जैसे बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाने रस्तों पर निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, क्या आज भी वैसा ही माहौल है? आइए जानते हैं सर से। ये मेरी दुकान, मैं सदानंद मेशराम, 35-40 साल पुरानी दुकान है मेरी वाली, मैं इस दुकान पे हमेशा बैठता हूँ। पहले जैसा 10-15 साल पहले जैसा बिजनेस रहता था, 15 अगस्त के दिन पब्लिक आती थी, आजकल उतना नहीं रह गया माहौल, आजकल वो बहुत कम हो गया है। नहीं तो मैं पहले से देख रहा हूँ, इतने सालों से मैं बैठ रहा हूँ, वो उस बात नहीं रही, बिजनेस की बोलो या और पब्लिक की बोलो, कम प्रमाण में आती है। अब इसका क्या कारण हो सकता है ये पता नहीं। तो आपने देखा कि 15 अगस्त को जितने लोग पहले निकलते थे मार्केट में घूमने निकलते, उतना मार्केट अब इतना नहीं बचा, थोड़ा सा कम हो गया है। उसका क्या कारण है अभी पता नहीं, क्या लोगों का जोश ठंडा हो गया है 15 अगस्त के दिन का, ये तो सोचने वाली बात है। आज़ादी की खुशी में हर दुकान सजी धजी है, जहां कपड़ों के दुकानों पर तिरंगों के कपड़े बिक रहे हैं, वहीं पर जनरल स्टोर पे तिरंगे और बलून्स बिक रहे हैं तिरंगे के कलर्स के। तो आइए ऐसे ही एक व्यक्ति से हम बात करते हैं जो ऐसा ही एक जनरल स्टोर चलाता है। तो आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन किस तरह का माहौल होता है उनकी दुकान पर, हम उनसे जानेंगे। जी, मेरा नाम अमित चौरस है और आज़ादी के दिन हमारे यहाँ वैसे तो काफ़ी पब्लिक होती है, क्योंकि आज़ादी के दिन जैसे इंडिपेंडेंट डे जो सेलिब्रेट करते हैं, एज अ स्टूडेंट उनको भी छुट्टी रहती है, काफ़ी ऑफिसर्स लोगों को भी छुट्टी मिलती है इस दिन, तो मार्केट में काफ़ी रश होता है। और हमारे जैसे शॉप की बात है, हम लोग भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त। हम लोग जैसे देशभक्ति के गाने बजाते हैं, एज अ कस्टमर उन्हें हम एक फ्लैग देते हैं एज अ गिफ्ट, और एज अ हम बेचते भी है गिफ्ट्स वगैरह काफ़ी। यानी इंडिपेंडेंट डे के दिन जो भी चलता है, जैसे फ्लैग्स हो गए, काफ़ी डेकोरेशंस के आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एज अ सेल करते हैं। पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, अपने हिंदवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और जो उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने। नागपुर के रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर भी लोग आज़ादी से कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, जब से हमको आज़ादी मिली है। तो आइए ऐसे यात्रियों से मिलकर बात करते हैं और पूछते हैं कि आज़ादी के उपलक्ष्य में वो कितने खुश हैं और क्या शुभेच्छाएं देना चाहेंगे सबके लिए। सर बताइए, आपको कैसा लग रहा है, आज़ादी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, अपने हिंदवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और जो उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में सहयोग किया। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि 15 अगस्त को अच्छे से, अच्छे ढंग से, तरीके से, कानूनी तरीके से मनाएं और उसका जो है मुबारकबाद जो है पूरे हिंदवासियों को दें। कुछ यात्री यहाँ पर नागपुर में आए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे और उनसे भी ढेर सारी विशेष लेंगे इंडिपेंडेंस डे की। तो आइए बात करते हैं। हेलो, मैं 15 अगस्त के लिए सबको विश करना चाहता हूँ और सबको कहना चाहता हूँ कि भाईचारा बनाई रखे। जैसे ही देश में जो माहौल हो रहा है अभी, जो कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम सब एकजुट होकर रहे। और जैसे ही उत्तराखंड हो गया है या ऐसे नेचुरल क्लैमिटीज़ जो हम लोग फेस कर रहे हैं आज, तो मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि सब एकजुट रहे। अभी मैं पहुँची हूँ एक कॉलेज के आगे,
कॉलेज जहां पर यूथ मिलता है, क्या हमारा यूथ सच में 15 अगस्त मनाता है? क्या उसे आजादी की समझ है? क्या वो सच में खुद को आजाद महसूस करता है? आइए जानते हैं यूथ से। आप बताइए, क्या सच में आप कभी 15 अगस्त आप सेलिब्रेट करते हो अभी? हाँ, अभी भी करते हैं, और जब हम स्कूल्स में थे तब भी करते थे। फ्लैग्स वगैरह ले जाके, कुछ प्रेयर्स वगैरह होती थी, गाने वाने प्रोग्राम्स वगैरह होते थे और घर में वापस आ जाते थे। आज आप कैसे सेलिब्रेट करते हो 15 अगस्त? जब आता है तो आपको क्या फील होता है? क्या कभी लगता है देश के लिए कुछ जो किया था किसी ने, सच में कुछ फीलिंग आता है ऐसा देश के लिए? हाँ, पहले बहुत आता था, पर अभी छुट्टी आ रही थी तो हम लोग 15 अगस्त को सब फ्रेंड्स लोग वगैरह मिलके कुछ सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 66 इयर्स बैक जब इतना फ्रीडम के लिए हम लोग तरसते थे, वो फ्रीडम आज जब मिल चुका है तो किस तरह से हम इस फ्रीडम का फ़ायदा उठा रहे हैं? फ़ायदा मतलब हम अभी अपना अपना करियर चूज कर सकते हैं, एवरी सेक्टर मतलब हर सेक्टर में फ्रीडम है आजकल। आपको सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस वक्त मैं पहुंची हूँ शिवाजी साइंस कॉलेज के आगे, मेरे साथ कुछ लड़कियां यहां पर खड़ी है, जिनसे मैं पूछूंगी कि क्या सच में 15 अगस्त आज भी आप मनाते हो या सिर्फ बचपन में व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के झंडा लेके जाते थे? आज कैसा लगता है 15 अगस्त? आज भी हमें अपने देश पे गर्व है और इसलिए हम 15 अगस्त मनाना चाहते हैं। इनफैक्ट हम अपने स्कूल भी जाने वाले हैं 10th पास के लिए, इसका मतलब नहीं कि स्कूल का चेहरा भी नहीं देखेंगे। एक एंथुसियाज्म रहती है, एक गर्व रहता है, उसी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, अपनी थोड़ी अपनी तरफ से कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए एटलीस्ट स्कूल तो जा सकते हैं। क्या आपको जिन्होंने 66 इयर्स बैक काफ़ी लड़ाई की थी देश के लिए, बहुत कुछ किया था, उनके लिए कुछ थैंक्स गिविंग अभी बोलना है आप? उनके लिए थैंक्स गिविंग जितना हम बोलेंगे उतना कम ही रहेगा, उन्होंने बहुत कुछ किया है तो फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आप एक लड़की हो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या लड़कियाँ आज सच में आज़ाद है, आपको क्या कहना है? एक तरह से कहना चाहूँगी आज़ाद है, बट ये पूरी एक सोसाइटी की मेंटालिटी के हिसाब से नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि कोई लोग हैं जो 21st सेंचुरी में आने के बाद भी भारत पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कैसे मनाते हैं शिवाजी साइंस कॉलेज के जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको पूछेंगे हम कि वो 15 अगस्त किस तरह से मनाते हैं। सभी लोगों को 66 इंडिपेंडेंस डे पे हार्दिक शुभकामनाएं हमारे। थैंक यू। जैसा कि हम देश के अलग अलग नागरिकों से नागपुर के अलग अलग जगह पर जाकर उन लोगों से पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त की खुशियां वो कैसे मनाते हैं, तो आइए हम अभी पेट्रोल पंप पे आए हैं तो उनसे भी पूछेंगे कि 15 अगस्त को वो क्या क्या करते हैं। सर, क्या करते हैं आप 15 अगस्त को? देखिए मैडम, 15 अगस्त तो एक नेशनल हॉलीडे है, इस दिन हम लोग ऐसा हम खुद इतना अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली थी, और हम लोग जैसे घूमते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, बच्चों के साथ बाहर जाते हैं और उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है जिनके वजह से हम आज़ादी को देख पाए हैं, जिनके वजह से हम आज़ाद नागरिक बने हैं, भारत को स्वतंत्रता मिली है। सर, इसके बाद क्या आप सभी को विशेष देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारी मेरे और हमारे स्टाफ की तरफ से सबको स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच। एक और महिला है हमारे साथ यहाँ पर जिनको हम पूछेंगे कि 15 अगस्त की खुशियाँ वो किस तरह से मनाती है। मैडम बताइए कि 15 अगस्त को आप करती क्या है, आज़ादी का दिन किस तरह से मनाती है? अभी तो आज़ादी का दिन घर में ही मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपने महापुरुषों को अपन याद करते हैं और घर में कुछ अच्छे पकवान वकान बना के हम घर में बच्चों को खुशियाँ मनाते हैं हम सब घर में। यहाँ पर हमारे साथ एक डॉक्टर लेडी है, उनसे भी हम पूछेंगे कि 15 अगस्त वो किस तरह से मनाती है। डॉक्टर होने के बाद एक बिजी शेड्यूल होता है तो क्या उनको 15 अगस्त मनाने को वक्त मिलता है? मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप 15 अगस्त के दिन क्या करते हैं? 15 अगस्त के दिन पहले तो बच्चों की तैयारी करते हैं, बच्चों को पूरी तरह तैयार करके भेजते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में, अवंती हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ, वहाँ जोर शोर से 15 अगस्त मनाया जाता है। तो वहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो उनमें यानी हिस्सा मैं तो इस साल नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी हिस्सा लेते हैं यानी पूरी धूमधाम से होता है, सबको मिठाइयाँ बांटी जाती है, और आगे यानी क्या करना चाहिए आगे का प्रोग्राम उसी दिन तय होता है कि अगले साल 15 अगस्त को अपन हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी रहेंगी, क्या करना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग मनाते हैं। सारे डॉक्टर्स होकर भी एक साथ उस दिन सम्मिलित होते हैं और एक साथ खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, और इस तरह से वो 15 अगस्त मनाते हैं।
इस वक्त मैं यहाँ पर आई हूँ महाराज बाग में, जहाँ पर लोग आज़ादी के दिन की छुट्टी मना रहे हैं, छुट्टी मनाते हुए घूमने आए हैं। तो एक कपल से मैं पूछना चाहूँगी कि 15 अगस्त की छुट्टी पे वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस इज द 66th ईयर एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड फन एंड हैज वी आर द इंडियंस इट शुड बी एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव द इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा कि एवरी इंडियन सिटीजन शुड हैव इंडिपेंडेंस एंड शुड सेलिब्रेट इट, यानी कि सभी को खुशियों के साथ, जॉय के साथ इस इंडिपेंडेंस डे को यानी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और भी लोगों से कि वो किस तरह से मना रहे हैं इस 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी मनाने आए महाराज बाग में इस कपल से हम जानेंगे कि इस छुट्टी पे जब ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो वो फैमिली को टाइम देते हैं, अपने परिवार को वक्त देते हैं और साथ ही 15 अगस्त की खुशियां किस तरह से मनाते हैं, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आज़ादी के दिन जब छुट्टी मिलती है आपको तो आप क्या क्या करते हैं, कैसे खुशियाँ मनाते हैं? पहले तो मैं आपको आवाज़ टीवी को और सब देशवासियों को बधाई दूंगा स्वतंत्रता दिन के लिए। अपना देश स्वतंत्र हुआ इसलिए हम लोग भी स्वतंत्र हो गए, तो उस दिन हम लोग कुछ मीठा खा के घूमने चले जाते हैं, किधर भी जिधर भी अच्छा लगता है, मेरे बीवी को अगर अच्छा लगता है वहाँ भी चले जाते हैं। मतलब बीवी को टाइम देते हैं, घर पे टाइम देते हैं और जब छुट्टी मिलती है तो इस आज़ादी का वो जश्न मनाते हैं। इसी तरह हम सभी को जश्न मनाना है इस आज़ादी को जो हमें बहुत ही मुश्किलों से मिली है, उसका जश्न मनाते हैं। आइए और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो जश्न मनाते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। महाराज बाग में घूमने आए कुछ यूथ से भी हम जानेंगे कि वो 15 अगस्त के दिन यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। और सबसे पहले तो हम पूछेंगे कि आज़ादी का मतलब क्या है, आपको क्या लगता है कि आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी यानी अपने देश को जब अंग्रेजों से जिन सैनिक लोग और देश के जो नागरिक हैं उन्होंने हमें अंग्रेजों से जो जिस तरह लड़ाई करके और अपने देश को बचाने के लिए बलिदान दिया और हमारे देश के लिए कष्ट किए, उनके वजह से हमें बहुत आज़ादी मिली। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए ऐसी एक फैमिली जो इस इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए महाराज बाग में घूम रही है उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से वो सेलिब्रेट करती है। सर, आप बताइए कि आज़ादी का मतलब क्या है और किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? आज़ादी मतलब सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। जैसा कि हम अलग अलग जगह जाकर अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं कि आज़ादी के क्या मायने हैं, मेरे इस तरफ कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आज़ादी के क्या मायने हैं, क्या है आज़ादी उनके हिसाब से, आप बताना चाहोगे? आज़ादी मतलब है कि बस अच्छे से रहने दो, स्कूल यूनिफॉर्म एकदम अप टू डेट होके जाना और जो भी चीज़ें और चॉकलेट। आपका क्या कहना है कि लड़कियां सच में आज आज़ाद है या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं, अभी भी गांव की जो लड़कियां हैं उन्हें अपनी मतलब इच्छा की उनकी जो इच्छा है उस तरह से जीना ये नहीं होता, उनके घरों में अभी भी उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गर्ल्स मतलब पूरी आज़ादी उन्हें मिलनी चाहिए, जितनी मैन से इक्वलिटी है मैन के बराबर गर्ल्स बॉयज या मैन वुमेन कहे वो इक्वलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपसे पूछना चाहूँगी आपका क्या कहना है कि सिटीज़ की जो लड़कियाँ हैं, जो शहर की लड़कियाँ हैं, उनको क्या आज़ादी मिलती है हर तरह से? नहीं, उन्हें भी अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। जैसे पिछली बार दिल्ली में जो हुआ था उसके हिसाब से हम नहीं बोल सकते कि लड़कियाँ भी आज़ाद है, क्योंकि वो लड़कियों को भी मतलब जिस तरह से लड़कों का बिहेवियर है जो या फिर बहुत रेस्ट्रिक्शंस जो लड़कियों पे लगाई गई है उससे नहीं कह सकते कि लड़कियाँ आज़ाद है करके, बहुत चीज़ों के लिए बोला जाता है ये मत करो वो मत करो, सो लड़कियाँ भी अभी तक आज़ाद नहीं हुई है। अभी तक पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुई है सारी लड़कियाँ, आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिली हम कह सकते हैं। देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि अब तक हमने काफी सारे लोगों से जाना कि वो 15 अगस्त को किस तरह से मनाते हैं और क्या है आज़ादी के मायने, कहीं हमने कुछ सामान बेचने वाले से पूछा तो कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी स्टूडेंट से, ऐसे ही दो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ यहाँ पर अम्बेडकर कॉलेज से, उनको भी हम पूछेंगे कि आज़ादी के क्या मायने हैं,
क्या आपके लिए इंडिपेंडेंस रियली एग्जिस्ट करता है? रियली एग्जिस्ट करता है बिकॉज आज के टाइम पे इंडिपेंडेंस इतना इम्पोर्टेंट रह गया है. ये डिपेंड करता है कि हम रियली इंडिपेंडेंट है या नहीं है. उस टाइम पे जब हमारे बड़े जो हमारे कहना चाहिए हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे जिन्होंने जो जो फेस किया है वो आज हम नहीं फेस कर रहे. बट इट्स आई थैंक्स टू हिम आई थैंक्स टू देम बिकॉज जो सब ये सब चीज़ें हो रही हैं हम इतना फ्री हैं हम अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देम. तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंस जो है आज की डेट में इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट एंड इट रियली गिव्स फ्रीडम. का कहना यह है कि उस वक्त जिन्होंने फेस किया जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो सब चीज़ें आज हमें फेस नहीं करनी पड़ी और आज सच में हम एक स्वतंत्र नागरिक की तरह यहाँ पर है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या कहना है आज़ादी के बारे में. क्या एक लड़की होने के बावजूद आपको सच में लगता है कि आप फ्री है? जी हाँ, हम ज़रूर फ्री हैं बिकॉज इंडिपेंडेंस के दौरान जो लोगों ने फेस किया आज हम उतने क्या कैपेबल नहीं है कि हम भी वो सब चीज़ फेस कर सके. हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सबका कि आज हम लड़कियां भी उतनी फ्रीली जगह जगह घूम सकती हैं, हमें उतनी सिक्योरिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन कल्चर. इसी तरह इन्होंने उस स्वतंत्र शहीदों के साथ साथ आज की जो इंडियन आर्मी है जो बहुत प्रोटेक्ट करती है उनको भी धन्यवाद दिया. हालांकि कुछ इश्यूज हुए हैं पर फिर भी ज़्यादा तादाद में तो सब सेफ है पुलिस के वजह से आर्मी के वजह से. और इसी के साथ एक लास्ट में पूछना चाहूँगी मैं आपको कि क्या आप आज भी 15th अगस्त सेलिब्रेट करती है? आज इंडिपेंडेंस डे जो होता है वो सेलिब्रेट करती है जैसे बचपन में स्कूल्स में किया करती थी? उस टाइम स्कूल यूनिफॉर्म एकदम अप टू डेट होके जाना और जो भी चीज़ है वो और चॉकलेट्स हम इतने एक्साइटेड रहते कि चॉकलेट्स मिलेगी यार वो सब चीज़ कॉलेज लाइफ में कुछ होती नहीं. ये गलत है कि सिर्फ एक ही दिन उन चीज़ों को याद किया जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. ये सिर्फ इस दिन के लिए नहीं वेट करना चाहिए. हर एक दिन इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए हर एक दिन. बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बोली है कि सिर्फ एक ही दिन क्यों हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं या सिर्फ एक ही दिन क्यों हम देश को याद करते हैं. देश को हमको रोज़ याद करना चाहिए. तो आइए मेरे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स खड़े हैं उनसे भी हम जानेंगे कि सबसे पहले तो पूछूंगी मैं कि भाई आज़ादी का मतलब क्या है. आज के युद्ध को आज़ादी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और क्या होती है आज़ादी ये मैं आपसे पूछूंगी. आज़ादी मतलब फ्रीडम. फ्रीडम यानी लाइफ फ्रीडम. घूमना ऐश करना मजा करना पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना उसको लाइफ बोलते हैं और उसको ही आज़ादी बोलते हैं. आज़ादी हर एक को चाहिए होती है जो बर्ड्स को चाहिए हम सबको चाहिए. लाइफ इज मीनिंग ऑफ आज़ादी. इनके कहने का मतलब है आज़ादी ही जिंदगी है. इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहोगी. व्हाट इज फ्रीडम एग्जैक्टली फॉर यू? For me, I believe freedom is something that we should have freedomness to speak in any language, move from one place to another. आपको घूमने की आज़ादी हो आपको किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी हो. ऐसा मुझे आज की तारीख में लगता है कि हमारे पापा लोग या हमारी मदर लोग हमको पैम्पर ना करें कि नहीं तू इन्हें ही पूजा कर या इन्हीं की पूजा करो या इन्हीं को मानो. आई बिलीव दैट अ पर्सन हिमसेल्फ शुड हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी और काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस सो दैट ही हिमसेल्फ शुड वर्शिप एनी गॉड एनी रिलीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स एंड मदर्स रिलीजन फ्रॉम वेयर ही हैज़ टेकन बर्थ इन. सो आई बिलीव दैट फ्रीडम इज दैट in that sector you can consider. And secondly, freedom is not like that ki aap maza karo bas aish karo. It's something like aapko a responsibility bhi ek cheez honi chahiye. Sirf ek din hamare andar 15th august ka bhoot aa jaye aur hum ek din bas sadkon par fatala mein bikes stand kare is nothing about the celebrating 15th august. There should be a sense of responsibility that we should get I believe that government should keep awareness of such things ki sirf ek din se baat nahi banti hai. You have to give repetitively for throughout the life or throughout your jab tak aap zinda hai to you should be there.
इन्होंने बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स में हमें मिला है कि राइट टू वर्शिप एनी गॉड, राइट टू वर्शिप एनी रिलीजन, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, और साथ ही इन्होंने बोला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एक ही दिन 15 अगस्त का जब भूत आता है तब हमें एक ही दिन देश को याद नहीं करना है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत ही सही पॉइंट इन्होंने उठाया। तो मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए 15 अगस्त? रैली निकाल सकते हैं जिससे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो और लोग भी डिस्टर्ब ना हो। सच में हमें फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन होना चाहिए जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। और इसी के साथ इन्होंने कहा सिर्फ एक ही दिन हमें देश को याद नहीं करना है, हर रोज हमें देश को याद करना चाहिए। तो मैं इनसे पूछूंगी कि किस तरह से मनाना चाहिए 15 अगस्त को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर इन्होंने एक आर्ट बनाया हुआ है जिसमें वो सच में शहीदों को एक कह सकते हैं सैल्यूट दे रहे हैं अपनी तरीके से। मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरह से बनाया जाना चाहिए 15 अगस्त? रैली निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ट्रैफिक, और कॉलेजेस में प्रोग्राम कर सकते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो लोगों को और अवेयर कर सकते हैं कि किन्होंने क्या किया। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो सब बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग हो सकती है, स्किट प्ले कर सकते हैं, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है जिससे और लोगों को जानकारी दे कि एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया हमारे लिए। मतलब इन सब चीज़ों के जरिए जो इतिहास में हुआ है, जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री सबको फिर एक बार दोहरा के सब तक पहुंचानी चाहिए, सबको फिर एक बार अवेयर करना चाहिए कि हुआ क्या था, ऐसा इनका कहना है। इसी के साथ हम देशभक्ति के गाने गा सकते हैं, राइट? तो क्यों ना एक देशभक्ति गाना हो जाए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते गया बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।